شهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 254 تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ اے ایمان والو, جو مال ہم نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن کے آ جانے سے پہلے پہلے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ کسی کی سفارش فائدہ دے گی, اور کفار ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے ہیں. حاضرین محترم, رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے مہینے کو ایک مومن سچے بندے کے لیے عبادتوں کا ایسا سیزن بنایا ہے کہ اس میں اگر اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے سچے جذبے کے ساتھ عبادت اور بندگی کی جائے, جو اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں مخصوص عبادتیں رکھی ہے انہیں پورے آداب و شرائط کے ساتھ بجا لانے کی سعادت حاصل کرے, تو پھر دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کی کامیابی اس کا مقدر بنے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور مقصد ہی یہی ہے کہ وہ تو نہ تو عبادتوں کا محتاج ہے اور نہ بندوں پر ایسا بوجھ ڈالا ہے جو بندوں کی طاقت سے باہر ہو, بلکہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اپنی معرفت, اپنی پہچان, اپنی محبت, اپنا عشق, اپنے دیکھنے, اپنے دید کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو پیدا کیا ہے, اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہی عبادتوں کو اخلاص اور محبت کے ساتھ بجا لانا ضروری اور فرض ہے. عبادت کا مطلب ہے شکر گزاری. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بے شمار انعامات اور احسانات سے سرفراز کیا ہے, اس کی شکر گزاری میں بندہ مختلف ڈھنگ سے, مختلف طریقوں سے عبادت کی شکل کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر بجا لاتا رہے. حاضرین محترم, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف میں
हुजूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मशहूर खुतबा जो शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया था, जिसमें रमज़ानुल मुबारक की आमद, रमज़ानुल मुबारक की इबादतों, रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल को, सारी चीज़ों को बयान किया गया था। उसमें ये भी बयान हुआ था कि वहुआ शहरुन मुआसात, ये ऐसा महीना है इबादतों से लबरेज भरपूर, इसमें मुआसात यानि आपसी हमदर्दी गमखारी मदद का भी ये महीना है। तो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में उमूमी तौर पर देख लीजिए कि इंसान जैसा दीगर इबादतों की तरफ आसानी से मायल होता है, इबादतें करने में आसानी महसूस करता है, बावजूद रोज़े की मशक्क़त के, बावजूद जल्द जाग जाने, देर से सोने, नींद कम होने के, जिस्मानी थकावट के, इसके बावजूद हर इबादत की तरफ आसानी के साथ मायल होता है, आसानी के साथ रागिब हो जाता है। वैसे ही माली इबादत, माल की इबादत, उश्र, ज़कात, सदक़ात, खैरात, माल अल्लाह के नाम पर अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों के लिए खर्च करना, जो मोहताज हैं, मिस्कीन हैं, हकदार हैं, तो माली इबादत की तरफ भी इंसान वैसे ही रागिब रहता है जैसा दीगर इबादतों की तरफ अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के फजल से रागिब रहता है। और ये सब जो होता है, बड़ी कमाल की बात यह है कि आसानी के साथ अल्लाह का फजल होता है, इस वजह से हर चीज़ आसानी के साथ। आम महीनों में उतना खर्च नहीं करता, उतना माली इबादत नहीं करता जितना रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में तवज्जो होती है, खर्च करता है। और एक बात जहन में रखिए कि दुनिया की अक्सरियत हमेशा से इस फितने से, माल फितना है, वबाल है, बची नहीं है। फितना आजमाइश, एग्जामिंग, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल दौलत और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए एग्जामिंग का जरिया है, इधर या उधर, किधर पार होते हैं या यहीं पर रह जाते हैं, यहीं पर माल की मोहब्बत में मिट कर रह जाते हैं, फिर या फिर माल के मालिक के हकीकी की मोहब्बत की वजह से माली इबादत बजा करते हैं। उमूमी तौर पर एक मुहावरा है कि माल को हाथ का मैल समझो, ये सिर्फ किताबों में अच्छा दिखता, मुहावरे के तौर पर अच्छा। दुनिया की अक्सरियत हमेशा माल को माबूद बनाकर रखी, बुत बनाकर रखी, पूछते रही। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में ही इरशाद फरमाए, खराबी के साथ, खराबी के साथ जिक्र किए कि अल्लज़ी जमा मालहु वअद्दा, खराबी है उसके लिए जो माल को जमा करता है, समेटता है, जमा करता है, वअद्दा गिन गिन कर रखता है, गिनता है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, गुमान ये करता है कि उसका माल हमेशा रहेगा, हालांकि खराबी है ये, खुद कुरान कह रहा है कि ये खराबी है। और खराबी बर्बादी इसलिए है कि वो ये नहीं समझ रहा है कि वो खुद हमेशा नहीं रहेगा, तो फिर उसका माल कहाँ रहेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि माल हाथ का मैल है, गलत है। हर एक ने माल को बुत बनाकर रखा है, पैसा खुदा नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। अब आज तो इतनी आर्टिफिशियल लाइफ हो गई है कि इंसान समझता है कि माल है तो सब कुछ है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला इसी माल को फितना, आजमाइश, एग्जामिन, वबाल, खराबी, क्या कुछ नहीं बताया। और साथ साथ इसी माल को अल्लाह तबारक व ताला ने इबादत का दर्जा दे दिया। तो कोई भी चीज के लिए
किसी भी चीज़ को फिल्टर करने के लिए सबसे बड़ा फिल्टर कुरान अजीम। माल यकसर खराब नहीं, हर एक के लिए वबाल नहीं, लेकिन हर एक के लिए ये रहमत भी नहीं, हर एक के लिए इबादत का जरिया भी नहीं। और माल भी जैसा दीगर इबादतें सब पर फर्ज हैं, छोटे बड़े, अमीर गरीब, फकीर कासिब, मुर्शिद मुरीद, सब पर। ये नहीं कि खाली एक वन वे स्विच ऑन कर लिए कि इनकमिंग इनकमिंग, आउट गोइंग नहीं। ये हर इंसान का नेचर होता है, चाहे वो फकीर हो, कासिब हो, मुर्शिद हो, मुरीद हो, उन्हें समझता कि खाली आना चाहिए, आना आना आना, जाना नहीं। तो वबाल और ख़राबी वहीं पर होती है। तो माल यकीनन, माली इबादत बहुत बड़ी इबादत है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इबादत को इस्लाम के पांच बुनियादी अरकान में, पिल्लर्स में एक रुकन और एक पिल्लर बना दिया। अगर ये पिल्लर बाकी रहा तो इमारत सही, ये पिल्लर गिर गया इमारत टेढ़ी बीढ़ी, इमारत ही नहीं कहलाती। और ये आला तरीन इबादत है मगर कठिन तरीन भी है। जूं ही पैसा आता है इंसान इतराने लगता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह रमज़ानुल मुबारक को मुआसात का ज़रिया बनाया, इन्फाक की आम तौफीक देता है। रमज़ानुल मुबारक में जैसे दीगर और नेकियों की तौफीक मिलती है, एक फ़र्ज अदा करते हैं रमज़ानुल मुबारक में तो 70 फ़राइज़ का सवाब, एक नेकी का अजर व सवाब एक फ़र्ज़ के मुमासिल। तो जो साहिब निसाब नहीं है वो भी खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला फ़र्ज़ के मुमासिल उन पर सवाब लिख देता है। तो ये भी क्या कुछ अल्लाह ताला का फ़ज़ल नहीं है कि अल्लाह ताला इस मुख्तसर सी फना होने वाली थोड़ी शॉर्ट लाइफ में भी माल का मालिक बना दिया, ओनर बना दिया। अब ओनर बनने के बाद इंसान कहता है कि मैं दे रहा हूँ, मैं दूंगा, मैं देता था, मैं दिया, मैं। देखिए आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम की कितनी उसत है कि माल दे के अपने ख़जानों से दिया, ना उसके ख़जाने कम होते ना ख़त्म होते, इसके बावजूद अल्लाह ताला उसे माल का मालिक बना दिया। शरई तौर पर ज़कात उस पर फ़र्ज है जो साहिब निसाब होता है, मुखर्रा माल उसकी मिल्कियत में एक साल उसकी कस्टडी में रहना, तो फिर वो ज़कात निकाले। 8 मद्दात है, 8 लोग मुस्तहकिन हैं, उन पर वो माल खर्च करना है। तो अल्लाह ताला उसकी कस्टडी में होते ही उसे साहिब निसाब बना दिए, माल देने वाला बना दिए, और फिर बता दिए कि मिनिमम 2.5% ज़कात कितनी है, 2.5 मिनिमम। जितनी भी माली इबादत हो उसमें अल्लाह ताला मिनिमम बताए हैं, मैक्सिमम कहीं नहीं, कम से कम बताए हैं, ज़्यादा की कोई हद नहीं है। तो इस हिसाब से ये माली इबादत इस वजह से मोमिन बंदों पर लगाई गई है कि यही माल फितना बना, आजमाइश बना, अच्छे अच्छे कैसे कैसे हो गए। तो माली इबादत फ़र्ज करने की, लागू करने की दो वजह हैं। एक तो ये कि मोहब्बत का पैमाना तलाश करें, मोहब्बत को ऑब्ज़र्व करें कि मोहब्बत माल की है या माल के मालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो माल अता किया उसकी मोहब्बत है, या फिर जो मिला है हाथ का मैल जिसे कह रहे हैं, खराबी जो है फना होने वाली है वो। अब आप तो देख लीजिए, अब जो पैंडेमिक चल रही है, कोरोना वायरस सबको हिला के रख दिया, अब मौत को तकरीबन यकीनी मान रहे, फिर भी जैसी तैयारी करनी नहीं, ऐसा फल जैसा पका गिरा, ये समझ रहे हैं कि हमेशा रहेंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि मुआशरे में अभी भी जो मैयतें उठ रही हैं, क्या क्या उम्रों के हैं, हट्टे कट्टे, सोचा भी नहीं था, अभी मिला था, माल था, माल भी है, औलाद भी है, अमवाल भी है, जायदादें भी हैं, बैंक अकाउंट भी उनके यहीं पर है, डेबिट कार्ड भी उनके यहीं पर है, वोटर आईडी भी यहीं पर है,
एक कफन में चले गए। रमजान मुबारक का ये मुकद्दस महीना हमें झिझोड़ रहा है कि मौत तो बरहक है, लेकिन वो काम करो जो मौत के बाद वाली जिंदगी में तुम्हारे लिए हकीकत में दौलत बन जाए, हकीकत में तुम्हारे लिए वहां पर जहां पर किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, किसी की दोस्ती नहीं चलेगी, किसी का रिकमेंड नहीं चलेगा। उस दिन से डरो। उससे पहले जैसा कि मैंने आयत शरीफा पढ़ी उसका तर्जुमा भी सुनाया कि ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह की राह में अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ बख्शा है अल्लाह की राह में उसमें से खर्च करो, उसमें से पूरा नक को खर्च कर दो, उसमें से थोड़ा सा करो। बता दिए कि देखो ज़कात अगर तुम साहिब निसाब है तो 2.5%, 97.5 तुम्हारी मिल्कियत, या फिर उशूर हर छोटे बड़े हर नई आमदनी पर फर्ज है 10%, 90% तो तुम्हारा। फिर इसके बावजूद 10% देते हुए भी हिचकिचाना, हक दख होना, दिल तक 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 कर रहा, क्या बात है। तो ये अल्लाह ताला इबादत, माली इबादत जो फर्ज की है उसकी एक वजह है कि माल की मोहब्बत है या माल के मालिक की हकीकी की मोहब्बत, एक बड़ा रीजन। दूसरा ये है कि जो मोहताज हैं, जो बेबस हैं, जो मिस्कीन हैं, जो हकदार हैं, उन तक ये माल पहुंचे। तो दो रीजन है। अब इस हिसाब से ये देख लीजिए कि हर दौर में ये माली इबादत सही तौर पर डिस्ट्रीब्यूट ना होने की वजह से जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, हमेशा गड़बड़ कर रहा, आज भी। और एक बार ज़रा कान खोल कर सुन लीजिए, आप हम जिस दौर में हैं, ज़र्रा थोड़ा पीछे चलिए मेरे भाइयों, 30-40 साल पहले चले जाइए, किसके पास पैसा था। जो ही पेट्रोल निकला 70s, late 70s में अरब कंट्रीज खासतौर पे सऊदी अरब जाने लगे, 2000 में 13 अफराद का पूरा घर का सौदा आ जाता था एक महीने का अच्छा खासा। आज पिंक नोट 2000 के किसी को दिए तो नीचे से ऊपर तक घुरते, यू नो पिंक नोट देने के है। तो ये क्यामत का करीबी जमाना, हर कोई मालदार हो गया। मैं ये बात बताना चाह रहा हूं, मालदार हो गया है लेकिन दिलदार नहीं हुआ है। अल्लाह इतना दे दिया है, इतना दे दिया है, फिर भी इसके बावजूद अल्लाजी जमा माल वअद्दा, जमा करते जा रहे, गिनते जा रहे, जमा करते जा रहे, गिनते जा रहे। यह सब अन्ना माल अखलदा, और फिर समझ रही ये माल हमेशा रहेगा। कहां रहेगा भाई, चले गए, कई लोग चले गए, मैं भी जाता हूं, आप भी जाते, सब जाते, माल तो जहां का वहां है, दुनिया का माल दुनिया में रहेगा। नेकी कर लो। अल्लाह तबारक व तआला जो इरशाद फरमाए कि ऐ ईमान वालो, हमने तुम्हें जो बख्शा है माल और दौलत दी है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह के लिए खर्च करो, खबल इसके कि वो दिन आ जाए ना, अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए खर्च करे। तो फिर ये वहां पर फिक्स हो रहा है, जो फिक्स बनाकर रखते हैं यहां पर, समझते हैं कि फ्यूचर में काम आएगा। फ्यूचर तो असल कौन सा है वो डिसाइड करना है। अलगरज खुरबे क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है कि हर शख्स मालदार हो जाएगा, फरावानी माल दौलत हर एक के पास। और हदीस शरीफ में यह भी बताया गया इंसान के नेचर के ताल्लुक से कि इंसान का नेचर यह है कि जब उसके पास एक पूरा टाउन, एक वादी सोने की होती है तो दूसरे की हवस होती है। काश मेरे पास और एक सोने की वादी होती। खैर अलगरस, तो जब अगर हम सिस्टम को देखें कि आज एक तरफ माल और दौलत ज्यादा, दूसरे तरफ हकदारों का हक मारा जा रहा है, जो लोग शरीफ हैं मांगते नहीं, वाकई आलियत वाले अच्छे हैं उनका हक रह जाता है, तो माल की मोहब्बत को ख़त्म करने और शैतान के डर को ख़त्म करने के लिए ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है। शैतान हमेशा डराता है, अल्लाह ताला वादा करता है। शैतान क्या डराता है, अश्शैतान यईदुकुमुल फ़ख्रा व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान डराता है फ़ख्र फ़ाके से, तंगदस्ती से, अरे कहाँ खर्च रही, ठहरो मियाँ कई को खर्च रही, ज़रा रोटेशन में लाओ तुम्हारे अमाउंट बढ़ेगा। और बुराई के जब बात आएंगे, लुटाओ, अरे लुटाओ जी बच्चे की शादी है लुटाओ, अरे चहलू में स्टेटस बताओ, अच्छा खर्चो जी खूब खर्चो, ये
बुराई के कामों में। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतुम मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह ताला तुमसे वादा करता है बख्शिश का और फजल का। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी उसत वाला है। तो अब शैतान का काम डराना है। आप देख लीजिए, मैं इस बड़े सरसरी अंदाज में बता रहा हूँ कि जब माल खर्च करने की बात आती है तो फिर सोचते हैं निकाल के गिन के पस, 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 निकाल कोशिश करते। जब बिल कॉरपोरेट हॉस्पिटल में करना, जार क्यों में ठहरें, ला लिया डॉक्टर साहब, लियो लियो गड्डियां, लियो लियो गड्डियां लियो। जब अल्लाह की राह में खर्चने की बात है जो फिक्स हो रहा है आखिरत के लिए, वहां पर घस घस के घस घस के, अरे भाई क्या करते हैं। तो माली इबादत के ताल्लुक से अब आप सोच लीजिए, हमेशा मिनिमम बताया गया है। जंग तबुक का मौका है, गज़व तबुक, इस्लाम का इब्तदाई दौर, एक पहने दूसरा नहीं है। माल कितना है, जंग तबुक का ऐलान हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुक्म दिए कि चलो माल लाओ, इस्लाम की हमीयत के लिए, इस्लाम की मदद नुसरत के लिए माल लाओ। तो सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला घर में गए, पूरा अल्फाज पर गौर कीजिए, पूरा माल समट कर लाए, छोटी पोटली अल्लाह के नबी के कदमों में डाल दिया। अल्लाह के नबी पूछे कि ऐ अबू बकर माल कितना लाए, घर में क्या रखे। या रसूलल्लाह पूरा ला दिया, पूरा, क्वांटिटी को मत देखिए, जज्बे को देखिए, पूरा ला दिए। और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह पूरा ला दिया घर में, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छुड़ाया, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए इसी मोहब्बत पर। फिर उसके बाद अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला वो भी हुक्म की तामील में माल लाए, कितना, आधा, 50%। कितना उमर, उमर कितना माल लाए, या रसूलल्लाह आधा लाया, आधा घर में है। माल कितना था, बहुत। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उनकी छोटी पोटली के मुकाबले में बहुत, आधा वो पूरा, ये आधा। फिर उसके बाद उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अनु अमीरुल मोमिन, ए उस्मान कितना माल लाए, आते जा रहा है 70 रूट आते जा रहा है, कितना, काउंटिंग में नहीं। तो मैं ये बता रहा हूं कि जब अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हुक्म दिया, तो माल पूरा ला दिए, आधा ला दिए, लाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा। तो इसमें कहां पर मिनिमम है, कहां पर 2.5% है, कहां पर 10% है, कहां पर 30, 40, 50%, धनाधन धनाधन लाते जा रहे। तो इस हिसाब से एक मर्तबा इमामुना सिदना हज़रत मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से किसी ने अर्ज़ किया कि मीरान जी, माल और दौलत तो ऐसी चीज़ है, आप जो आता है लुटा देते हैं, सवियत कर देते, ख़त्म कर देते। माल और दौलत तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी था। तो हज़रत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए कि पहले उस्मान जैसे बनो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान के जैसा माल रखो। और हज़रत उस्मान ने अपना माल राह खुदा में खर्च किया और खुद खुदा को हासिल कर लिए, यानी इबादत। तो अब इस हिसाब से रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, यकीनन एक मरतबा हज़रत याहिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का शैतान से सामना हुआ। तो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम शैतान से इरशाद फरमाए कि ए मलून, बता तेरे फेवरेट कौन है, तो किसको लाइक करता है, किसको डिसलाइक करता है, किसको पसंद करता है, दोस्त कौन है तेरा, दुश्मन कौन है। शैतान ने कहा कि हज़रत मैं कंजूस मोमिन को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत दोस्त रखता हूँ। तो वो क्यों रे, कंजूस मोमिन को तू क्यों दोस्त रखता, क्योंकि उसकी कंजूसी उससे उसकी नैया को डुबाने वाली है, कंजूसी उसको डुबा देगी, अगर चेके वो मोमिन है। अलबत्ता मुझे जो सख्त नफरत है, मैं जिसका दुश्मन हूं, वो है गुनाहगार सखी का,
गुनाहगार तो है लेकिन सखावत करता, खैरात करता, अल्लाह की राह में माल निकालता है। मुझे डर है कि उसकी सखावत कभी ना कभी उसे गुनाहगारी से निकाल कर नेकोकारी में ला देगी। तो हजरत इरशाद फरमाए कि ये बात है तो मैं सारे बंदों तक पहुंचा देता हूं। तो उसने भी कहा कि मेरे बाप की कसम, आप पैगंबर थे, ये रास की बात, ये अंदर की बात मैंने आपको कह दिया, अब मैं कभी ऐसे बात किसी अक्लमंद पैगंबर के सामने नहीं कहूँगा। तो यकीनन ये माल बहुत बड़ी आजमाइश है, मसाइल बहुत हैं। मुख्तसरन मैं आपके सामने सिर्फ एक बात रखूँगा कि उमूमी तौर पर एक मसला बड़ा गश्त करता है कि सादात को, सादात बनी हाशम को ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बारह मैंने कहा था प्रूफ के साथ, आज भी कह रहा हूँ कि एक रिसाला तकरीबन 65 साल पहले एक फतवा मजलिस उलमाए महदविया हिंद की तरफ से निकला था सन 1376 हिजरी 26 रबीउल अव्वल मुताबिक 31 अक्टूबर 1956 में ये मजलिस उलमाए महदविया हिंद की तरफ से निकला हुआ किताबचा है। अहकामु सदखात फी जवाजिल ईसाल इला सादात, सादात को सदका व खैरात देने के जवाज में ये फतवा है। ये उस वक्त की मोहर के साथ है, 16 सफ़े का मुदल्लल है। इसमें कुरान हदीस के फुकहा के मुदल्लल, मुस्तनद और अथेंटिक हवाले हैं। मैं पूरा तो पढ़ नहीं सकता, आखिरी के जुमले पढ़ देता हूँ। आज बाज नासमझ किताबी इल्म रखने वाले ये समझते हैं कि नहीं 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 देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जबकि ये मजलिस उलमाए महदविया हिंद सारे उस वक्त के उलमा 65 साल पहले के उन्होंने लिखा। आखिरी सतर जो आपके सामने है रखता हूँ कि गर्ज बुजुर्गान महदविया का ये अमल जो सलफ से खलफ तक जारी है वो इमामुना महदी माऊद अलैहिस्सलाम की ऐन इत्तेबा और अहकाम शरा शरीफ की रूह से सही है के सादात को जो बनी हाशिम हैं कुल सदखात सारे के सारे सदखात यानी ज़कात, फित्रिया, उशर, कफ़ारात, सदखात नज़र, ख़ुरबानी, अखीखा का गोश्त और चिरम वगैरह देना और लेना जायज़ है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब इस हिसाब से दिया जा सकता है, देना चाहिए, बल्कि क़ुरान का हुक्म यह है, इस्लाम की तालीम यह है कि जितना करीबी रिश्तेदार है उतना ज़्यादा हकदार होता है। लिहाजा ये रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में माली इबादत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि माली इबादत सिर्फ मालदारों के लिए है, हर के लिए। जितना गरीब है, बुजुर्गान दीन की ये रविश तक रही, मेरे दादा हज़रत मियाँ सैयद इस्माइल मूसा मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से मैंने ये सुना है अपने बड़ों से कि ये झाड़ के पास लाकर शक्कर के दाने डाल देते थे क्योंकि अल्लाह की मखलूक चूंटियाँ वो खा सके। तो अगर कुछ भी ना हो तो चूंटियों को कम से कम डाल लें, लेकिन आजकल तो बहुत कुछ है, जेब भी भरे हुए हैं, अकाउंट्स भी भरे हुए हैं, सब कुछ है। तो कम से कम अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की मोहब्बत को साबित करने के लिए मिनिमम अल्लाह ने जो कम से कम बताया है उतना तो खर्च करना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहल आलमीन तो अपने फजल व करम से रसूल महदी के सदक़े से हमें इस बात की तौफीक अता फरमा कि रमज़ानुल मुबारक की दीगर इबादतों की तरह हम माली इबादत भी तेरी खुशनुदी के लिए, तेरी रजामंदी के लिए, तुझको राज़ी और खुश करके इस दुनिया से जाकर आखिरत की तैयारी करने के लिए हमें जहनी तौर पर तैयार कर दे और माली इबादत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। कंजूसी से बचा और सारी बुराइयों से बचा जो माल परस्ती में मुब्तला करके आखरत को गारत और बर्बाद कर देते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।